नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं आहूजा का कॉलर माइक है, जो कि बहुत जगह यूज होता है, आजकल डीजे वाले सब लोग यूज करते हैं। ये देखिए, ये काम नहीं कर रहा है, तो आज मैं इसको आपको लेकर सामने सही करके दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हम दिखाते हैं आपको, ये एम्पलीफायर लगा रखा हूँ। सबसे पहले इसको मैं चेक करने दिखाता हूँ आपको कैसे चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, रस्से को निकाल लीजिए, उसके बाद इधर से तार को ठेलते हुए देखिए, इसमें ये कंडेंसर माइक्रोफोन लगा हुआ है, और ये कंडेंसर माइक्रोफोन ये 1.5 वोल्ट पे काम करता है। ये बड़ा होता है, मोबाइल का छोटा होता है तो वो भी कंडेंसर माइक्रोफोन होता है, लेकिन वो 1 वोल्ट पे काम करता है, लेकिन ये 1.5 वोल्ट पे काम करता है। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंडेंसर माइक इस कैसे कार्य करता है, इसके विषय में आपको पूरी जानकारी हम देंगे, हिंदी में बहुत अच्छे से देंगे। इसकी बनावट कैसी होती है, कार्य विधि इसकी कैसी होती है, हम आपको दिखाएंगे। इसमें देखिए, इसमें जो पॉइंट होती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें डीसी 1.5 वोल्ट DC आती है। देखिए, ये बारिश की जो होती है ये न्यूट्रल होता है, और ये फेस होता है, ये न्यूट्रल है। देखिए, ये सफ़ेद वाला फेस है, और ये अर्थ वाला जो है न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं। ये कंडीशन माइक आप देख रहे हैं, इसको मैं जूम करता हूँ और इसको आपको दिखाता हूँ। सबसे तो पहले आप देखिए, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ऑन कर दिया और ऑन कर दिया, और इस पे जो प्लस माइनस होती है वोल्टेज होती है, डीसी 1.5 वोल्ट आती है। ये इसकी बॉडी जो है माइनस होती है, देखिए सफ़ेद तार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये प्लस होती है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको वोल्टेज में आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, मैं आपको शॉर्टकट में इसका कार्य थोड़ा भी बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा आपको वोल्टेज में आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमने ये मीटर रखा हूँ, ये मीटर है और ये साइड में है। आप मीटर भी देखिएगा और इसका वोल्टेज भी देखिए, मीटर पे भी ध्यान दीजिएगा। आप ये देखिए, अब आप देख सकते हैं अच्छे से। देखिए, ये तार से ये बॉडी से लगा हुआ है, ये माइनस है और ये इसका प्लस है। देखिए, मीटर पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इसका प्रॉब्लम ये हुआ, मतलब है या तो इसके अंदर खराबी है, या तो ये फिर तार खराब है। तो सबसे पहले आप इसको खोलने से बढ़िया है कि पहले आप इसको ऑफ करके ये यहाँ से इसको निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए इस तरीके से। देखिए, ये मोनो पिन होती है, ऑडियो की मोनो पिन है, इसको साइड में रख लीजिए और इसको चेक करिए, इसके तार को चेक करिए सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत कम खराब होता है, कंडेंसर माइक जो होता है। मीटर को ब्रजर पॉइंट पर रखिए आप, देखिए मैंने मीटर को ब्रजर पे कर दिया हूँ। देखिए, सबसे पहले ये अर्थ है, ये जो होता है ये अर्थ पॉइंट है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका अर्थ पॉइंट है और इसकी बॉडी अर्थ पॉइंट है, मतलब एक तार ये सही दिखा रहा है। दूसरे पॉइंट भी देखिए, मैंने दिखाता हूँ सफ़ेद वाली पे, देखिए ये जो है यही प्लस वोल्टेज होती है, देखिए ये तार ओपन बता रही है, कहाँ से ओपन बता रही है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ज़्यादातर
अभी तक हमने देखा 90% यहीं से ख़राब होती है ये सॉकेट से। मैंने इस सॉकेट को काट लेता हूँ, यहाँ से देखिए। देखिए इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ, ये मैंने काट के अलग कर दिया। आप इसमें देख रहे हैं, देखिए ये है शील्डेड वायर होती है, जो शील्डेड वायर है ये अर्थ का काम करता है। और आप देख रहे हैं एक ठू बीच में इसके सफ़ेद है, ये प्लस होता है, ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं। देखिए फुचरा ये निकल जा रहा है, ये भी इसको हमको और थोड़ा सा काटना पड़ेगा। देखिए ये दो तार है, ये इसको फिर से एक बार हम मीटर से चेक करते हैं। आप मीटर देख रहे हैं हमारा ब्रजर पॉइंट पर रखा हुआ है, देखिए इसको चेक करते हैं। देखिए ये इसका जो है अर्थ पॉइंट हमने लिया गया, देखिए ये सही दिखा रहा है। अब इसके मैं सफ़ेद तार पे रखता हूँ, अब देखिए इसकी अभी भी ये नहीं बताया। इसका मतलब ये पूरा तार, ये तार ही ख़राब है कहीं और से, तो ये आप तार को बदल दीजिए। जैसे कि आप लोगों को हमने दिखाया था कि ये तार भी मतलब ख़राब है, ये तार भी बीच से अब कहाँ से ओपन हो गई है ये नहीं समझ में आ रहा था पहले, इसलिए हमने देखिए उस साइड के काटा था तो फिर यहाँ से चेक कर लिए थे। अब देखिए आप ये शील्डेड वायर होती है, अब शील्डेड वायर को जरूरत पड़ती है तो ख़राब ए बी से आप जो है जैसे तीन तार की ऑडियो वीडियो की जो लीड होती है कार्ड होती है वो उससे आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे ये ऑडियो वीडियो है तो इसकी ये दोनों पॉइंट काट लेते हैं, ये देखिए हमने दोनों तार काट लिया हूँ ऑडियो वीडियो के। देखिए शील्डेड वायर भी होती है, ये किधर तार ये इधर है निकला हुआ है, इस तरीके से आप लोग भी ये काट के निकाल सकते हैं। और ये मार्केट में स्पीकर पिन से आपको ये मिल जाएगी, मोनो, देखिए मोनो स्पीकर पिन की ये पिन है, ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। देखिए इसी को हम यहाँ पर लगा देंगे और इसमें देखिए ये जो है यहाँ पर इस तरीके से ये बैठ भी जाती है। इसको मैं जोड़ लेता हूँ,
देखिए जोड़ने के बाद इससे यहाँ तार को दबा दीजिए इस तरीके से ताकि तार ये पकड़ ले। पीसीबी इसे पकड़ लेती है ना, ये खींचने पे निकलेगी नहीं। इस तरीके से ये लॉक हो गई पीसीबी इसकी, ये निकलेगी नहीं खींचने से। कैसे टेप वगैरह मार सकते हैं ताकि ये शॉर्ट ना करे, इसको लगाने पे कैप इसका लगाने पे ये शॉर्ट ना करे इसमें, इस तरीके से। देखिए मैं इसमें गम डाल दे रहा हूँ ताकि ये अच्छे से भी पकड़ ले, खींचने पे निकलेगा नहीं। देखिए इसमें हमने गम भी डाल दिया हूँ, ये पकड़ लेगा तार, ये निकलेगा नहीं ये, इस तरीके से। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ये बॉडी से जुड़ा है इस साइड का, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है इधर का। स्कैप को जो है पहले इसमें तार डाल दीजिएगा, नहीं तो इसमें लगाएंगे कैसे। देखिए इस तरीके से आप लोग जोड़िएगा अच्छे से जो है। उसके बाद ये एक छोटी सी क्लिप लगी है, इसको डाल दीजिए ताकि इसका तार खींचे ना यहाँ से, इस तरीके से। ये देखिए ये अब ये पकड़ लेगा इस पे, ये इस तरीके से ये पकड़ लिया। एक बार इसको फिर से आप लोगों के सामने इसको हम चेक कर देते हैं। मीटर को बजर पर रख लीजिए, देखिए ये इसका माइनस सिरा होता है, देखिए ये सही दिखा रहा है। अब इसका ये पॉजिटिव होता है, ये जो आगे का होता है, और इसको यहाँ से चेक कर लीजिए पॉजिटिव पे, देखिए ये सही दिखा रहा है, बजर की आवाज़ है। अब इसको यहाँ से फिट कर दीजिए, इस तरीके से ये फिट हो जाएगी।
थोड़ा सा गम यहाँ भी डाल देते हैं ताकि ये चिपक जाए। उसके बाद इस कैप को चढ़ा दीजिए। इसमें मैं इसका वोल्टेज भी नाप करके दिखा देता हूँ, हमने वोल्टेज नहीं दिखाया था, आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ नाप करके। मीटर को वोल्टेज पे रख लीजिए, डीसी वोल्ट पे। देखिए मैंने डीसी वोल्ट पे रख लिया हूँ। इसके बाद इसको मैंने ये पिन में लगा दिया, अब इसको ऑन कर देते हैं। ऑन हो गया, देखिए मैंने एक माइनस पे रखता हूँ, देखिए एक मैंने माइनस पर रखा हूँ, एक देखिए मीटर पे देखिए 1.6 वोल्ट ये दिखा रहा है। अब ये बढ़िया काम करेगा क्योंकि यहाँ वोल्टेज मिलने लगी। आप मीटर पे देख सकते हैं 1.5 होता लेकिन 1.6 दिखा रहा है, इतना चलता है, कोई वो नहीं है। देखिए इस तरह का से कैप चढ़ा दीजिए। अब मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये मैंने इसका पावर लगा दिया। अब यहाँ से देखिए ये जल रहा है इंडिकेटर, अब ये दबाएंगे ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। देखिए एम्पलीफायर भी ऑन है, इसको यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसको ऑन करेंगे, देखिए इसमें भी कनेक्टिविटी आएगी। देखिए कितना बढ़िया ये काम कर रहा है। हेलो 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 हेलो, आप लोग देख सकते हैं। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो, ये देखिए काम कर रहा है। हेलो हेलो, वीडियो आप लोग को पसंद आया हो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम ऐसी वीडियो बहुत से लाते रहेंगे। इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर पर शुरू करूंगा, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ये जो भी होते हैं, IGBT MOSFET है, इसके हम चेक करने का तरीका बताएंगे आप लोगों को, रेजिस्टेंस के वैल्यू बताएंगे, सारा चीज़ को वर्क के बारे में भी बताएंगे, कैसे चेक करते हैं, सर्किट में कैसे चेक करते हैं, ये सब चीज़ें आप इसके बाद वीडियो बनाने वाले हैं। अब उसी चैप्टर पर चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा चैप्टर लेकर चलेंगे।